वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। आप सभी प्रिय दर्शकों का YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम गणेश मुखी रुद्राक्ष की महिमा एवं धारण विधि हम आपको बताएंगे। गणेश मुखी रुद्राक्ष कब और क्यों धारण किया जा सकता है? अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ाई करता है भूल जाता है, तो आप उस बच्चे को आप गणेश मुखी रुद्राक्ष धारण कराएं। अगर आपके घर में ऊपरी बाधाओं का ऐसा संयोग बन रहा है कि हमारे घर में कोई ऊपरी बाधा चल रही है, हमारे ऊपर कोई कुछ करा रहा है, तो उस समय पर आप विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी के उस रुद्राक्ष को धारण करें जिसे गणेश मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। तो ये गणेश मुखी रुद्राक्ष कैसा होता है? गणेश मुखी रुद्राक्ष इस तरह से होता है। आप इस गणेश मुखी रुद्राक्ष को आप मंगवा सकते हैं और इसको अपने बच्चों को धारण करा सकते हैं। आपके कार्य में, व्यापार में नुकसान हो रहा हो, आपको अनेकों प्रकार की शारीरिक बाधाएं चल रही हों, राहु की अंतरदशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, उस समय पर भी आप गणेश मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष कुछ इस तरह से होता है कि इसमें एक सूंड की तरह रुद्राक्ष में उभरा हुआ भाग होता है, उसको गणेश मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। और ये गणेश मुखी रुद्राक्ष अपने आप में अद्भुत है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त है। इस रुद्राक्ष को आप अगर आप धारण करते हैं तो तुरंत आपको लाभ प्राप्त होगा, पढ़ने में मन लगेगा, आपके कार्य में जो बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी और भगवान श्री गणेश की कृपा होगी। जय श्री गणेश।